कल भारत का गणतंत्र का 72वां वार्षिक उत्सव है। पूरे भारत के लोग पूरे विश्व में मनाएंगे। हम यहाँ पर सेवा सुरभि के कार्यक्रम में 18 जनवरी से शुरू करते हैं और आज सारे शहर के लोग, हमें खुशी है कि ये कोविड की बीमारी में से भी बचकर आज हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हमारा शहर पांचवी बार हमें इसको कचरे से आज़ाद करना है, कचरा मुक्त करना, फ्रीडम फ्रॉम कचरा, और इसको स्वच्छता का पंच लगाना है। इंदौर को पांचवी बार भारत का स्वच्छ शहर बनाना है। भारत माता की शान है इंदौर, और भारत माता की जय, और जय हिंद। आज कोई कार्यक्रम नहीं है, ये अनाम सहित के नाम पूरे शहर के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि उनकी याद में एक मोमबत्ती लगाएं, और ये सिलसिला 7 बजे से चालू होकर रात को 11 बजे तक अनवरत जारी रहेगा। करीब करीब 20 वर्ष के आसपास हो गए हैं। 20 वर्षों से लगातार हम एक शहीद परिवार का सम्मान करते हैं। सम्मान निधि में जो भी हमसे बन पड़ता हम लोग को देते हैं भेंट स्वरूप में। बच्चों के लिए ये समूह गान प्रतियोगिता है, रैलियाँ हैं, परिचर्चा हैं, कवि सम्मेलन है, संगीत के प्रोग्राम्स हैं, ताकि बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी समझ सके कि हमारे कौन कौन से महापुरुष हुए हैं और उन्होंने क्या क्या देश के लिए बलिदान किया है। सम्मानित किया जा चुका है। 23 तारीख को रीवा के शहीद दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह को सम्मानित किया। सम्मान करता थे जिलाधीश माननीय मनीष सिंह जी। अमर जवान आज उनके कारण हम हैं। अगर ये जवान नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। ये हमारी बॉर्डर पे रह के जब हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और शहीद हो जाते हैं। उन शहीदों की याद में जो शहीद हो गए हैं उसके प्रतीक स्वरूप यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया का प्रतीक बनाया है 20 साल से, और यहाँ पर मोमबत्ती उन शहीदों की याद में लगाई जाती है।